मिर्जापुर में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष ने की बिजली विभाग की आलोचना, अधिकारियों की निष्क्रियता पर जताई नाराजगी। अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में छात्राओं की कलाकृति, चौबे और धागे से बनाई स्वतंत्रता दिवस की तस्वीर। रामपुर में मौलाना पर लगे गंभीर आरोप, हिंदू संगठनों ने उठाई मौलाना को जेल भेजने की मांग। सहारनपुर में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन, हिंदू समाज के लोगों ने पीएम को सौंपा ज्ञापन। अमरोहा में रंगरेलिया मनाते पकड़ा गया सिपाही, एसपी ने किया सिपाही को सस्पेंड। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। मिर्जापुर में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया ने मंत्री नंद गोपाल नंदी कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों की तानाशाही की आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बात करने पर टाइम टोल की जाते हैं और फोन भी नहीं उठाया जाता है, जिसके चलते कनौजिया ने अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे जनता को भी परेशानी हो रही है। पंद्रह अगस्त के मौके पर अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में छात्राओं ने दीवार पर स्वतंत्रता दिवस की एक तस्वीर बनाई है, जो खूब सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें कि ये तस्वीर 7 छात्राओं ने मिलकर 3 दिन में तैयार की है और इस तस्वीर की मुख्य बात यह है कि ये चौबे और धागों का इस्तेमाल करके बनाई गई है। साथ ही टीम प्रमुख बरखा रावत का कहना है कि वो हर बार कुछ नया और विशेष करना चाहती हैं। दरअसल इसके पहले भी उनकी टीम ने 4500 वर्ग गज में पेड़ के सूखे पत्तों से पीएम मोदी की तस्वीर बनाई थी और वो तस्वीर भी काफी चर्चा में रही थी। आज मैंने तिरंगा बनाया है, लाल किला बनाया है और ये स्ट्रिंग आर्ट है, ये किलो से धागों से बनाई जाती है और ये ज़्यादातर लोग कार्डबोर्ड पे बनाते हैं, तख्ते पे बनाते हैं। मैंने ये पहली बार दीवार पे बनाई है, मुझे लगभग 3 दिन लगा है। ये मैंने किलो से धागों से बनाया है, जो रजाई के धागे होते हैं। ये मेरा 3 दिन में तैयार हो पाए। हमने 3 दिन में ये पेंटिंग बनाई है, कील और धागों से बनाई है, बहुत मेहनत करके बनाई है और इसका उद्देश्य क्रिएटिविटी पे ही काम किया है हम लोगों ने। हम लोग भीड़ के साथ ना चल के अलग चलने की कोशिश करते हैं, हर बार कुछ यूनिक नया करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो आज की जनरेशन है उन्हें भी कुछ नया मोटिवेशन मिले, वो भी आगे बढ़ें। ये मन इसलिए था क्योंकि जो लोग आजकल सब करते हैं बस वही करने लग जाते हैं, हम चाहते हैं कि हम कुछ हटके। रामपुर में मौलाना जावेद द्वारा भारतीय मुद्रा का अपमान किए जाने के मामले में एसपी ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना ने मौलाना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की है। वीडियो में मौलाना भारतीय मुद्रा पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और हिंदू संगठनों ने इस पर कार्रवाई की मांग करी है, जिसके बाद एसपी विद्यासागर मिश्र ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, एक धार्मिक स्थान पर थाना क्षेत्र मिलक के अंतर्गत कुछ लोग नोट पर चलते हुए नजर आ रहे हैं धार्मिक क्रियाकलाप के दौरान, तो यह अपमान है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक मिलक को उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया। सहारनपुर के बेहट में हिंदू समाज के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि हिंदू समाज के लोग प्राचीन शिव मंदिर से जुलूस निकालकर तहसील मुख्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार की निंदा करते हुए भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। इस दौरान बजरंग दल ने बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की गैर कानूनी गतिविधियों पर भी चिंता जताई। ये आज बेड नगर के हिंदू समाज के द्वारा बांग्लादेश के अंदर जो जिहादियों के द्वारा हिंदू बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार किया जा रहा है और वहाँ के हिंदू भाई जो हैं उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है और उनको वहाँ से निकलने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में भारत सरकार के को बेड के हिंदू समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उसमें मांग की गई जो वहाँ पर हिंदू समाज रह रहा है उसको सुरक्षित करने का जिम्मे भारत सरकार अपने ले और क्या कह रहे उसको सुरक्षित करे, और अगर ऐसा सरकार करने में समर्थ है तो भारत का जो हिंदू समाज है इसको छूट दे कि वह जाकर बांग्लादेश में जो जिहाद फैला रहे हैं उनको सबक सिखाने का कार्य करें। बांग्लादेश में जो हिंदू समाज पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ की बहन बेटियों पे बलात्कार हो रहे हैं, उनको घर से उठा उठा कर उनकी हत्याएं करी जा रही, उनकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा, इस विषय में हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है।
और भारत सरकार से मांग की है कि या तो वहाँ के हिंदुओं को भी सुरक्षित किया जाए, नहीं तो जो यहाँ का हिंदू है फिर उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाए, वो अपने आप से उस हिंदू समाज की सुरक्षा करेगा। मेरा यही आग्रह है भारत सरकार से कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। अमरोहा के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाले सिपाही नरेश कुमार को एक महिला के साथ रंगरलिया मनाते हुए महिला के पति ने रंगे हाथों पकड़ा, जिस दौरान पति ने पूरे मामले की वीडियो भी रिकॉर्ड की। वहीं वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं मामले की जाँच सीओ सिटी को सौंपी गई है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुमार सिंह एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं डीके सिंह ऑर्थो सर्जिकल सेंटर में ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में काम करता हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस के लक्ष्य में देशवासियों को और पूरे गाजीपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। यूपी के बांदा में एक युवक ने अपनी बहन के प्रेमी की हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी का माहौल है। बता दें कि घटना की वजह से बहन से प्रेम प्रसंग बताई जा रही है, जिससे भाई के मुताबिक काफी बदनामी हो गई थी, जिसकी वजह से आरोपी लड़की के भाई ने बहन के प्रेमी की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। इस पर एसपी अंकुर अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम हिंदल सिंह है, इनकी मृत्यु हो गई है। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां का मुआयना किया। इसमें जो परिवार द्वारा नामजद अभियुक्त है उमा शंकर, इसको आज पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। माननीय कोर्ट के सामने इनको पेश किया जाएगा। कठोर से कठोर सजा सुनिश्चित करवाई जाएगी। दो दिन के अंदर पूरी कार्रवाई कम्प्लीट कर दी गई है और इस केस को भी फास्ट ट्रैक पर करवा के जल्द। बरेली के आंवला तहसील में गुरुवार देर शाम को हाईटेंशन का तार टूटकर गिरने से नीचे खड़ी एक निजी बस में आग लग गई और घटना से कस्बे में हड़कंप मच गया। हालांकि उस समय बस में कोई सवारी मौजूद नहीं थी, तो बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने बिजली को बंद कराया और दमकल की गाड़ियों ने बस में लगी आग पर काबू पाया, जिसके चलते लगभग 2 घंटे तक बिजली पूरी तरह बाधित रही। पूरे यूपी में भाई बहन के त्योहार के लिए रोडवेज परिवहन विभाग ने बहनों के लिए फ्री यात्रा की सुविधा दी है, जिसके चलते बरेली जिले में 700 बसें चलेंगी, जो 24 घंटे तक लगातार सुविधा देंगी। यानी बहनों और बेटियों के लिए 18 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक बरेली में फ्री सुविधा रहेगी। इसकी जानकारी बरेली क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने दी है। रक्षाबंधन पे हम लोगों के बरेली क्षेत्र में लगभग 700 बसेज हैं, जो कि कुछ बसेज लॉन्ग रूट पे चलती हैं, कुछ शॉर्ट रूट पे चलती हैं। रक्षाबंधन पे 19 तारीख को रात 12 बजे से 20 तारीख की रात 12 बजे तक, मतलब 48 आवर्स फ्री में महिलाओं को, हमने जो बहनें हैं बेटियां हैं उनको तो फ्री में यात्रा कराई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के और परमाननीय मुख्यालय के निर्देशानुसार हम लोग जो हमारे रूरल एरिए हैं, शॉर्ट रूट हैं, उनकी बहनें उन पर ज़्यादा संचालन को फोकस करेंगे। उन पर हम लोग एक्स्ट्रा ट्रिप्स, लगभग डबल ट्रिप्स कर देंगे, जिससे किसी भी हमारी माता और बहनों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। झांसी में 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने रानी लक्ष्मीबाई जिले पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर प्रशासन के कई बड़े अफसर और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही झांसी के अन्य सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों में धूमधाम के साथ लोगों ने स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं रानी महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की इस धरती के सभी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस दिवस पर अपने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभी झांसी वासियों से अपील करता हूं कि आज के दिन हम सब लोग उनके प्रण और उनके जो मूल्य हैं उनको याद करें, अपनी युवा पीढ़ी को उसको बताएँ, ताकि ये देश अनवरत ऐसे ही आगे चलता रहे, विकसित होता रहे।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर मामले में पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। इसी के चलते आज शुक्रवार को कासगंज जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध कर लगभग 2 घंटे तक चिकित्सा सेवा बंद कर न्याय दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने डॉक्टर के हत्यारोपी को फांसी की सजा दिलाए जाने और अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग करी है। साथ ही न्याय दिलाने के लिए एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टरों ने विरोध जताया है और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद कर हड़ताल करेंगे। डॉक्टर्स को मारे, डॉक्टर्स वार्ड में छुप रहे हैं, वो लोग बीच में छुप छुप के वीडियो डाल रहे हैं फेसबुक पे, कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस ओनली। वो जो ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ी पर बची नहीं, बेटी पढ़ी पर बची नहीं, आज उसके साथ आज उसे जस्टिस नहीं मिल रहा, तो हम कैसे माने कल हमें जस्टिस मिलेगा। हम तो सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम तो नहीं कर रहे, तो सरकार हमारा साथ नहीं देगी। एक डॉक्टर, एक महिला, चाहे वो पुरुष हो, स्पेशली महिलाओं के लिए, महिलाएं रात में काम करती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पुरुष ही सुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, ऐसा क्यों महसूस हो? सड़क पे, घर पे, अस्पतालों में, सिनेमा घरों में, गलियों में, कहीं भी महिला को सुरक्षा चाहिए। हमारी सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमें सुरक्षा चाहिए, क्यों नहीं? अगर रात में 24 घंटे में कभी भी इमरजेंसी पड़ती है, डॉक्टर ऑन कॉल ड्यूटी पे आएगा, उसके साथ कोई पुलिस वाले तो आएंगे नहीं, कोई स्क्वाड तो लगेगा नहीं, ठीक है? तो उसको अकेले ही अपने आप इतना सुरक्षित होना चाहिए, उसको इतना सुरक्षित माहौल चाहिए कि वो चल सके। मेरी बेटी को, मेरी माँ को, मेरी बहन को सड़क पे चलते समय ये महसूस होना चाहिए वो सुरक्षित है, वो कहीं भी चले, मानसिकता बदलनी। यूपी के कौशाम्बी जिले में गुलमीरपुर नेशनल हाईवे 2 के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां श्रद्धालु से भरी पिकअप गाड़ी आगे खड़ी कंटेनर से भिड़ गई, जिसके चलते हादसे में घटनास्थल पर ही महिला सहित 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। बता दें कि एक श्रद्धालु की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर DMSP समेत पुलिस फोर्स पहुंच गई। कावड़ियों का जत्था जो डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर छत्तीसगढ़ से आज के 8 दिन पहले चला हुआ था, वो अयोध्या और मथुरा के दर्शन के लिए आज प्रयागराज होते हुए वाराणसी आ रहे थे। सुबह 5:30 बजे के आसपास गुलामीपुर सैनी थाना अंतर्गत है, वहाँ एक राना से इनका एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि इसे लग रहा था कि बगल की गाड़ी चल रही है, जबकि वो गाड़ी खड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा है कि खड़ी गाड़ी में इनकी टक्कर हुई है। तत्काल पहुंची थी, घायलों को इलाज के लिए भेजा था। 3 कावड़ियों की एक महिला भी है, उसकी मृत्यु हो गई है, फीस का इलाज चल रहा है और इसमें हम लोग एफआईआर पंजीकृत कर रहे हैं और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई। देवघर जा रहे थे, देवघर से अयोध्या, अयोध्या से वृंदावन, वृंदावन से आ रहे थे, अब इसमें यहीं पर एक्सीडेंट कर गया। अब हम लोग 21 आदमी थे और 18 आदमी घायल है, हम लोग 3 आदमी का अंदरूनी चोट आया है, देवघर जा रहे थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनींद्र कुमार की ओर से जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं। आप सभी सुरक्षित रहें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी में 3 महीने के अंदर एक ही गांव के 16 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद गांव भर में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों की माने तो इन मौतों का कारण रहस्यमय बुखार है, जिसके लक्षण मलेरिया जैसे हैं, जिसके चलते SDM से शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव भेजी गई और जाँच के बाद 60 में से 5 लोग मलेरिया से संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद गाँव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम के नेतृत्व में CHC अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि टीम द्वारा मलेरिया और अन्य बीमारियों की जांच की जा रही है और एंटी लार्वा का छिड़काव गांव में कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।